तुम्हारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती दे भी नहीं रहा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को? क्योंकि आपको उसमें टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग ने ये बात नहीं उठाई। मैडम आपकी समस्या है, मैं आपकी समस्या है, आप बिल्कुल बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि आपको भाजपा की सरकार को बचाना है। मेनस्ट्रीम मीडिया में जब भी डिबेट होती है तो उनमें बीजेपी के नेता मौजूद होते हैं। डिबेट के जरिए जनता के मुद्दे सामने रख हल निकाला जा सकता है, पर आज के मीडिया में ना तो मुद्दा आम जनता से ताल्लुक रखता है और ना ही एंकर बीजेपी नेताओं से सवाल करते हैं, और जब विपक्ष जवाब देने लगता है तो एंकर उन्हें बीच में टोकते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी मीडिया एंकरों को विपक्ष के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और उनकी वो डिबेट्स देखेंगे जिनमें विपक्ष अमीश पर भड़कते दिखाई दिए हैं। न्यूज 18 पर चाइना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी नेता से सवाल किए। जब कांग्रेसी नेता आलोक शर्मा जवाब देने लगे तभी अमीश देवगन ने बीच में उन्हें टोक दिया। इस पर आलोक गुस्से में दिखे और अमीश को सुनाने लगे। हमारे जो फाइटर जेट वहाँ तैयार है, अमीश जी, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो रही है, पिछले डेढ़ मिनट में चार बार इंटरप्ट कर चुके हैं कि अगर एक ये मोदी जी, ये भारत की सरकार डर रही है और भारत की सरकार चीन के साथ है, ये उसके लिए हो रहा है। अमीश जी देखिए, या तो मुझे बोल लेने दीजिए, आपको बोलने दिया, आपने डेढ़ मिनट बोला, फिर एक मिनट बोला। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बार बार रोकिए मत। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को कौन रोक सकता है? आप चार बार बीच में बोल पड़ चुके हैं अमीश जी। आप बिल्कुल बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि आपको भाजपा की सरकार को बचाना है। आप शुरुआत यहाँ से करवाना चाहते हैं मेरे। सही बात है, मैं साफ साफ पूछता हूँ, चाइना को बीजेपी की सरकार बचा रही है? भारत की सरकार चाइना से लड़ती है, मीडिया से लड़ी है। एक काम करिए अमीश जी, आप लोग मीडिया पर बीच में बोलते रहेंगे, आप मेरे से ज्यादा बोलेंगे मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सरकार को बचा लीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि भारत की सरकार चीन के साथ? सरकार का सवाल का जवाब तो देने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 का, क्या आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं? न्यूज 18 पर सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने अभिनेत्री कुनिका सदानंद से सीबीआई जांच पर सवाल किए। कुनिका ने कुछ अन्य घटनाओं का जिक्र कर अमीश से उन पर डिबेट ना करने को लेकर टोका, जिस पर अमीश परेशान दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस जन भावना का सम्मान भी करा एक तरह से और इंसाफ भी करा है, और आप कह रही है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं होता, लगातार डिबेट्स नहीं होती, सत्य ही नहीं सामने आता। अमीश जी, आप नेशनल चैनल है ना, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची सुदीक्षा की मौत हुई थी, आप लोगों ने टीआरपी नहीं मिलेगी इसलिए सुदीक्षा के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं की। उससे पहले अभी रिसेंटली 13 साल की बच्ची का रेप हुआ था, क्योंकि आपको उसमें टीआरपी नहीं मिलेगी इसलिए आप लोगों ने बात नहीं उठाई। मैडम आपकी समस्या है, मैं आपकी समस्या है कि सुभिक्षा मामले में एफआईआर भी हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है अक्यूज की। वन सेकेंड, आप लोगों ने जिस दिन हुआ था उस दिन आप लोग का वो गिरफ्तारी हुई है वो भी अभी पता नहीं। मैडम इस मामले को 54 दिन हो चुके हैं। आई एम नॉट जी, नहीं सॉरी अमीश, डोंट स्क्रीम, अमीश डोंट स्क्रीम। डिबेट की मर्यादा सबसे पहले आप मेंटेन करिए प्लीज। न्यूज 18 पर चाइना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे लेकर कांग्रेसी नेता ने अमीश को टोक और माफी मांगने पर जोर दिया। आप भारत को ऊपर क्यों नहीं रखते? आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल ना, मैंने ये नहीं बोला ना, सुप्रिया जी सुनिए इस पॉइंट को, सुनिए आपने कि भारत बैकफुट पे है ना। आप मेरी बात काटने में दिखाते हैं, दूसरे गेस्ट की भी काटने के बुलाइए, एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए अब। आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है। मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है, बोलना पड़ेगा ना फिर। एक मिनट, आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया। न्यूज 18 पर जेईई नीट के एग्जाम को लेकर बहस हुई। इस डिबेट में जब अमीश बीजेपी का फेवर करते दिखाई दिए तब कांग्रेस ने अमीश को टोकना शुरू किया और अमीश को सरकार का पिट्ठू भी बताया। एक सेकंड मैडम, आपने एक अच्छा सजेशन दिया कि बाढ़ है कई इलाकों में। बाढ़ कोई पहली बार तो इस मौसम में नहीं आ रही, बाढ़ हर बार ही आती है, तो हमें सुविधाएं अच्छी करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप मेरे को सुधांशु जी के पास भी जाने दीजिए। सुधांशु जी स्वीकार कीजिए, जिस तरह से आपने मुझे हैकर किया।
हिमांशु जी को भी हैकल कर दिया। मैंने आपको पूरे आपको पहले 60 सेकंड का मौका दिया, उसके बाद भी अभी भी आप 1.25 मिनट बोली, इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन कौन किसको हैकल कर। अगर रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें, अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार, आज के बाद मत बोलिएगा, पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुरत मत करना रागिनी नायक, चुप रहो। जनता मैम आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, मैं आपके पिट्ठुओं से पत्रकारिता का भाषण चाहिए। मैडम मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं यहाँ पर अगर आपके साथ पर्सनल डिबेट के अंदर नहीं हूँ। न्यूज 18 पर उमर खालिद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने उमर खालिद को लेकर मौलाना साजिद रशीदी से सवाल किए, पर साजिद रशीदी ने जीडीपी जैसे मुद्दे पर बात करने को कहा, पर अमीश ने उमर खालिद पर जवाब देने को कहा, जिस पर दोनों के बीच बहस हुई। और आप मुझे बताइए, शर्जील उस्मानी जो अभी बेल पर बाहर आया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं दोबारा मस्जिद बनवाऊंगा, और उस सोच को भी कवर फायर देने का प्रयास होता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देश की किसी को नहीं पड़ी है, देश कहां जा रहा है इसकी किसी को नहीं पड़ी है, जीडीपी कहां चलेगी किसी को फिक्र नहीं, नहीं, नहीं आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, ना तो इसकी भी बात करिए ना, जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो देश को देश में साजिश कर रहे हैं उसकी बात करिए ना। सोशल मीडिया में कवर फोटो में लिखा कि बाबरी को दोबारा बनाएंगे, ये किस सरकार से सवाल बोलिए। अरे चुप होकर तो सुनिए, चुप तो हो जाइए, मुंह तो बंद कर लीजिए। हाँ सर, जी उस्मानी का तुमसे मुंह भी बंद होगा, अमीश देवगन का मुंह बंद करोगे जो देश के लिए बात करता है। सुनिए, क्या आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट ने इनके झूठ का भांडा फोड़ा है और ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। अमीश अक्सर डिबेट में हिंदू मुस्लिम करते या फिर विपक्ष को टारगेट करते दिखाई देते हैं। अगर अमीश जीडीपी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर डिबेट कर सरकार से सवाल करते तो शायद जनता का भरोसा मीडिया पर और ज्यादा बढ़ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।